हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं एक कप साबूदाना, 2 से 3 मीडियम आलू उबले हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 कप रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, और 1/2 कप दरदरी कुटी हुई मूंगफली। सबसे पहले हम साबूदानों को भिगो कर रखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 2 घंटे बाद हम ढक्कन को हटा देंगे। साबूदाना अच्छे से मैश हो रहा है। अब साबूदाना को हम स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेंगे। एक फोर्क की मदद से हम आलूओं को पीस लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप सोक किया हुआ साबूदाना, 1/2 कप दरदरी कुटी हुई मूंगफली, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। हम 1 चम्मच के बराबर इस मिक्सचर को हाथ में लेंगे और इस तरह से राउंड कर लेंगे। इसे हमें 1 पैटी की शेप देना है। आप हाथों से इसे फ्लैट करके 1 पैटी की शेप दे दें। इसे हाथों के बीच में इस तरह से घुमाकर 1 वड़ा की शेप देंगे। इस तरह से हम सभी वड़ा को बना लेंगे। इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए। आइए अब हम इन्हें तल लेते हैं। एक पैन में 2 कप मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम सावधानी से एक एक करके वड़ा को डालेंगे। आंच को हम तेज पर ही रखेंगे। एक साइड पे लगभग 1 मिनट तक हम इसे तलेंगे। करछी की मदद से आप इसके ऊपर इस तरह से तेल डाल लें। अब इसे हम पलट लेंगे। ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब दूसरी साइड से भी इसे हम अच्छे से तल लेंगे। साबूदाना वड़ा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट होता है। 1 मिनट तक हम इस साइड से भी इसे तलेंगे। वड़ा दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से छानकर तेल से बाहर निकाल लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे साबूदाना वड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप इसे टमाटो सॉस और गरम गरम अदरक की चाय के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए साबूदाना वड़ा।